वेलकम टू द आशिमा शो। दुनिया भर में कोरोना वायरस पेंडेमिक चल रहा है और केसेस लगातार बढ़ रहे हैं एंड इंडिया इज द थर्ड वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड। ऐसे में एक तरफ देश में अनलॉक का दूसरा महीना चल रहा है और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स के मन में एग्जाम्स को लेकर कंफ्यूजन अभी तक लॉक्ड है। और जब से कोरोना आया है गवर्नमेंट की दी हुई ये पहली कंफ्यूजन नहीं है। इससे पहले भी श्रमिक ट्रेन के किराए को लेकर कंफ्यूजन, दिल्ली के हॉस्पिटल्स में किसका इलाज होगा किसका नहीं उसके ऊपर कंफ्यूजन्स, और ऐसे बहुत से और एग्जांपल्स भी हैं बिकॉज एक्सेप्शनल सिचुएशंस गिव राइज टू एक्सेप्शनल कंफ्यूजन्स, राइट। पर एक दिक्कत हमारी सोसाइटी की ये भी है कि एजुकेशन इज वन ऑफ द की सेक्शन दैट इज ऑफन नॉट डिस्कस्ड बाय मीडिया और बाय आर गवर्नमेंट, जो कि परेशान करने वाली बात है। तो आज के वीडियो में मैं अभी की चल रही स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन्स को अनलॉक करूंगी, यूजीसी की न्यू गाइडलाइंस के बारे में बात करूंगी, गवर्नमेंट की कुछ गलतियों के बारे में बात करूंगी और गवर्नमेंट के लिए कुछ सोल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यूजीसी की नई गाइडलाइंस के बारे में। ये न्यू यूजीसी गाइडलाइंस जो कि 6 जुलाई को रिलीज हुई थी उसके अकॉर्डिंग जुलाई मंथ में जो फाइनल ईयर में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के एग्जाम कंडक्ट होने वाले थे, यूजीसी चाहता है कि उन एग्जाम्स को अब सेप्टेम्बर के एंड तक कंडक्ट करवाया जाए। आपकी जानकारी के लिए बताऊं तो यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक हायर एजुकेशन रेगुलेटरी बॉडी है जो नेशन वाइड सभी यूनिवर्सिटीज को एग्जाम्स, कोर्सेज और एडमिशन रिलेटेड गाइडलाइंस इश्यू कराती है। वैसे ही जैसे शेयर मार्केट की सेबी है और मेडिकल फील्ड की ICMR है। और आपको ये भी बता दूं कि ये यूजीसी गाइडलाइंस कोई एडवाइस नहीं है, इट्स एन ऑर्डर, और सभी यूनिवर्सिटीज जो इसके अंडर आती है उनको ये फॉलो करना ही पड़ेगा। यूजीसी अभी काफी फर्म है अपने इस डिसीजन को लेकर। यूजीसी की तरफ से ये बात भी सामने आई है कि अगर सितंबर में कोविड को लेकर सिचुएशन और खराब हो जाती है तो एग्जाम्स को शायद पोस्टपोन किया जा सकता है पर कैंसल किसी भी हाल में नहीं। अब अगर यूजीसी की इसी बात पर विचार करें तो क्या कोई भी फाइनल ईयर का स्टूडेंट कोविड के खत्म होने तक इसी अनसर्टेनिटी में जीता रहेगा कि एग्जाम्स होंगे या नहीं? आई थिंक दिस इज रॉन्ग। सिचुएशन ऐसी है कि अब तो स्टूडेंट्स को सीधा सीधा एक अनबिलीवेबल डिसीजन लेना है कि उनके लिए एग्जाम ज्यादा इम्पोर्टेंट है या उनकी लाइफ, क्योंकि यूजीसी के इस एक डिसीजन से लाखों बच्चों और स्टाफ की लाइफ खतरे में आ सकती है। अब इस पर यह बात भी सामने आती है कि मान लो एक बार के लिए कि सितंबर में एग्जाम ले भी लिए तो यूजीसी की गाइडलाइंस में ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि उन एग्जाम्स के रिजल्ट कब तक आएंगे। अब बताती हूँ आपको कि हमारी यूनिवर्सिटीज की अभी करंट कंडीशन क्या है। फ्रेंकली अगर मैं आपको बताऊं तो एट प्रेजेंट आर एंटायर एजुकेशनल सिस्टम इज अनप्रिपेयर्ड टू होल्ड एग्जाम्स, चाहे वो ट्रेडिशनल तरीके से हो या फिर ऑनलाइन। और हमारी यूनिवर्सिटीज की इस अनप्रिपेयर्डनेस पर यूजीसी का कहना है कि सभी यूनिवर्सिटीज को सफिशियंट टाइम दिया गया था कि वो अपना कुछ प्लान ऑफ एक्शन बनाते ताकि फाइनल ईयर के बच्चे जो अब डॉक्टर्स या इंजीनियर्स बनने वाले हैं वो किसी भी एग्जामिनेशन मोड, चाहे वो ऑनलाइन हो, ओपन बुक हो या फिर किसी भी ट्रेडिशनल तरीके से पास हो और अपनी डिग्रीज लें, जो कि उनके अकॉर्डिंग एकेडमिकली बहुत जरूरी है। और वो भी ऐसे में जब बहुत से कॉलेजेस और स्कूल्स को कोविड शेल्टर हाउस या फिर क्वारंटाइन हाउसेस की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बताऊं तो हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो मॉक एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट किए गए थे दैट टर्न आउट टू बी अ कंप्लीट फेल, जिसमें कंटिन्यूअसली स्टूडेंट्स के सर्वर क्रैश हो रहे थे, फाइल अपलोड नहीं हो रही थी, वो रजिस्टर नहीं कर पा रहे थे। और ये मैं बात कर रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की, जिसका मेरे ख्याल से नेशन वाइड ठीक ठाक नाम है। तो अगर इसका ये हाल है तो छोटी यूनिवर्सिटीज से हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अब बात करते हैं कि यूजीसी के इस डिसीजन से स्टूडेंट्स को क्या क्या दिक्कतें आएंगी। सबसे बड़ी बात जो कभी भी दिमाग से निकाली नहीं जा सकती वो है कि कोविड के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में स्टूडेंट्स हर जगह से आते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग ऐसे में कैसे मेंटेन की जाएगी? इसके साथ ही लॉकडाउन में सभी आउटस्टेशन बच्चे अपने अपने घर जा चुके हैं, तो अगर बच्चे अपने घर वापस जा चुके हैं तो क्या उनको शहरों में वापस बुलाना सेफ है एग्जाम्स के लिए? अब इस पर यूजीसी ये भी कह रहा है कि बुलाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे ऑनलाइन एग्जाम ले लो। तो इस पर दोस्तों आप लोग समझदार हो, आप ही बताओ कि क्या हमारे पास ट्राइड एंड टेस्टेड ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करने का इंफ्रास्ट्रक्चर है? दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या हुआ अभी मैंने आपको बताया ही है। और बात सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं है, एग्जाम इन्विजिलेटर्स, सपोर्ट स्टाफ, टीम सभी को खतरे में डालने वाली बात है ये तो। एंड सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई स्टूडेंट इन एग्जाम के दौरान कोविड पॉजिटिव हो जाता है हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? और भी बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है जो मेरे माइंड में आ रहे हैं कि अगर एग्जाम कंडक्ट होते हैं ऑनलाइन तो क्या सभी स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट है, कंप्यूटर लैपटॉप्स हैं? रिटर्न में अगर एग्जाम होते हैं तो क्या उनके पास कोर्स नोट्स हैं? चलो एग्जाम्स के दौरान बच्चों को कोविड हो या ना हो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजीसी या फिर HRD मिनिस्ट्री नहीं ले रही, पर क्या इन प्रॉब्लम से भी उनको कुछ मतलब नहीं?
एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक हो सकता है एग्जाम्स कैंसिल करने के पीछे, जो कुछ हद तक मैं मानती हूँ वो ये है कि जो सेमेस्टर पढ़ाया ही नहीं गया उसका एग्जाम कंडक्ट कराना मुश्किल है। इन सब डिसीजंस का स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ रहा है या फिर पड़ेगा, हमारे जैसे देश में तो इस तरह के टॉपिक्स नॉन एग्जिस्टेंट है। साथ ही एग्जाम वाली बात पर कुछ लोगों का कहना ये भी है कि जब लिकर शॉप्स, बसेस, ट्रेन्स चल रही हैं तो एग्जाम्स को ही क्यों कैंसिल किया जाए। तो दोस्तों, इसके लिए लेट मी टेल यू, लिकर शॉप्स में जाना या बस में बैठना आपका चॉइस है और ये चॉइस एग्जाम्स को लेकर स्टूडेंट्स के पास नहीं है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, बहुत मोटिवेशन मिलता है। अब देखते हैं कि बाकी स्टेट्स के इस पर क्या रिएक्शन है। बहुत सी स्टेट्स जैसे कि हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ऑलरेडी अपनी अपनी स्टेट्स में यूनिवर्सिटी एग्जाम्स को कैंसिल कर चुकी है। दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी एग्जाम्स को लेकर ये डिसाइड किया गया है कि सभी स्टूडेंट्स को जनरल प्रमोशन दिया जाएगा और ये फैसला दिल्ली गवर्नमेंट ने लिया है यूजीसी गाइडलाइंस के खिलाफ। पहले दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएमओ को लेटर लिखा था इस बारे में, पर अब तो उन्होंने एग्जाम कैंसिलेशन की अनाउंसमेंट ही कर दी है। दोस्तों, अब ऐसे में स्टूडेंट्स करें तो क्या करें, अपनी स्टेट को ट्रस्ट करें या फिर यूजीसी को? अब बात करते हैं कुछ सॉल्यूशंस की जो यूजीसी कंसिडर कर सकती है, कुछ सॉल्यूशंस हैं जो यूनिवर्सिटीज फॉलो कर सकती हैं, जैसे कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को उनके पिछले सालों के एवरेजेस के हिसाब से मार्क्स दे सकती है, विच विल बी फेयर इनफ टू सम एक्सटेंट। और ऐसा नहीं है कि फ्री में डिग्री दे दो, बहुत से और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि असेसमेंट दी जा सकती है, केस स्टडी, प्रोजेक्ट या फिर ऑन कॉल वाइवास कुछ केसेस में कंडक्ट किया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों, ट्रैवलिंग विल मेक इट वर्स एंड यूजीसी को इस बात को समझना होगा, जान है तो जहान है। एक और चीज कि यूजीसी को सेमेस्टर एग्जाम्स की बजाय एंट्रेंस एग्जाम्स पर जल्दी कुछ फैसला लेना चाहिए। आमतौर पर मई जून में सभी यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, इस बार कोरोना की वजह से ये शेड्यूल बिगड़ गया है। अब नया सेशन कैसे शुरू हो जब पुराने साल के ही एग्जाम्स नहीं हो पाए, ऐसे में स्टूडेंट का पूरा एकेडमिक ईयर खराब हो सकता है। दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो कि स्टूडेंट्स को पढ़ाई की रेस में नंबर वन पर लाने के चक्कर में इंडिया में कोरोना के केसेस भी नंबर वन पर आ जाए, बिकॉज अभी हमारी एक्सेप्शनल सिचुएशन है एंड वी ऑल नीड टू स्टैंड टूगेदर एंड स्ट्रॉन्गर। हमें ये भी समझना होगा कि मार्क्स हमें सिर्फ अपॉर्चुनिटी देते हैं, सक्सेस की गारंटी नहीं देते हैं। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज शेयर दिस वीडियो, बी द वॉइस ऑफ द स्टूडेंट हु रियली नीड सपोर्ट। क्योंकि कोई भी बच्चा अगर बेवजह फेल होता है तो हमें फर्क पड़ना चाहिए। और जो भी स्टूडेंट्स या फिर उनके पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, अपने ओपिनियन भी मेरे साथ नीचे कमेंट करके जरूर शेयर करें कि आपको क्या लगता है। तो चलो, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।